हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मशीन की मदद से कैसे आप अपने घर में ही कपड़े के बटन बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दो तरीके बटन बनाना बताएंगे। तो जिसके यहाँ पर हमारे यहाँ पर दो बटन है, ये आपका सिंपल साधारण बटन है जो कि आप नॉर्मली बनाते हैं। ये देखिए, आगे से कुछ ऐसा होता है और पीछे से कुछ ऐसा होता है, इसको आप नॉर्मली बना सकते हैं। और दूसरा बटन हमारा ये होगा, ये वाला, ये आपका एक पाइपिंग वाला बटन होता है। देखिए, बीच में आपका यहाँ पे एक मेन कपड़ा है और उसके बराबर में यहाँ पे हमने एक बाउंड्री बनाई हुई, ये हमारी पाइपिंग है, इसको हम पाइपिंग वाला बटन बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये दोनों तरह के बटन बनाना बताएंगे, सिंपल भी और पाइपिंग वाला भी। तो चलिए, पहले हम आपको एक सादा बटन बनाना बताते हैं, उसके बाद आपको पाइपिंग वाला बटन बनाना बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक सिंपल एक मैचिंग आपको अपने कपड़ा लेना है, जिस कपड़े के आपको बटन बनाने हैं। और यहाँ पे हमारे ये बटन है, बटन में आपके दो पार्ट होते हैं, एक छेद वाला और दूसरा आपका ये बिना छेद वाला। इसमें आपको क्या करना है, जो आपको बिना छेद वाला जो पार्ट है, इसमें आपको अपने कपड़े को बटन के ऊपर ऐसे रखना है और इस बटन को कपड़े के अंदर ऐसे लपेटना है, ऐसे लपेटा। अब इसको यहाँ पर रोकने के लिए धागे से इसको कवर कर देंगे ताकि खुले नहीं। ये कवर किया, अब इसको हम यहाँ पर कैंची से ऐसे कट कर देंगे। तो देखिए, इसको हमने पीछे से ऐसे कट कर दिया, आपका बटन यहाँ पे ऐसे कवर हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पर बटन बनाएंगे। बटन बनाने के लिए आपको यहाँ पर मशीन के साथ साथ यहाँ पे कुछ डाई चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपकी डाई है, इन डाई में आपके पांच पार्ट होते हैं। देखिए, एक आपके दो पार्ट ये हैं और तीन पार्ट आपके ये वाले हैं। इसमें क्या करना होता है आपको, एक तो इसमें आपका ये लंबे वाला पार्ट होता है, इस लंबे वाले पार्ट को आपको मशीन के होल में नीचे की साइड यहाँ पर ऐसे लगाना है, इस प्रकार से। इसके बाद ये आके आपके यहाँ पे एक दूसरा पार्ट स्प्रिंग होता है और एक पार्ट आपका एक टूल आपका ये वाला है डाई का, ये वाला। इसको आपको अपनी स्प्रिंग के अंदर ऐसे लगाना है, इस प्रकार से। और ऐसे लगा के आपको इसको अपनी इस पार्ट के ऊपर ऐसे रख देना है। तो ये आपका थोड़ा स्प्रिंग वाला है तो जो थोड़ा दब सकता है इसे। ये आपका तीन पीस यहाँ पे जुड़ चुके हैं। बाकी दो पीस होता है आपके ये वाले, एक छोटा सा ये टूल होता है, ये देखिए, और पांचवा आखिर टूल आपका ये वाला है, इस तरीके से। इसको आपको आप इस डाई के अंदर इस तरीके से ऐसे रखना है, इसके अंदर से सेट आ जाता है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका बटन है, जो इसका बटन का जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें छेद होते हैं, इसको आपको उस डाई के अंदर इस तरीके से, मतलब जो गड्ढे वाला हिस्सा है, इसको आपके ऐसे पकड़ना है और इसको यहाँ पे ऐसे रख देना है। तो यहाँ पे इसके अंदर चला जाएगा, ये अंदर सेट हो चुका है। अब इसके बाद ये जो आपका जो बटन है, जो आपने जो कपड़ा लपेटा था, इसको ऊपर रखेंगे और इसको भी अपनी डाई के अंदर ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पे इसमें सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको उस डाई को अपनी डाई के ऊपर से रखना है और इसको ऐसे उल्टा कर देना है। उल्टा कर दिया है, अब आपको उसको डाई को ऐसे पकड़ेंगे और डाई का इसका जो मशीन का जो ऊपर हैंडल होता है, इस हैंडल को आपको ऐसे दबाना है। ऐसे दबाया और यहाँ पे हम इसमें चोट लगाएंगे। इसमें हमने चोट लगाई, चोट लगने से आपका जो बटन है, देखिए, आपका जो डाई ने आप हटाई और आपका बटन यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। देखिए, ये आपके डाई का बटन का आपका पीछे का हिस्सा है और ये आपका आगे का पार्ट है। तो इस तरीके से आपका बहुत ही खूबसूरत बटन यहाँ पे आपके सामने ऐसे बन चुका है। तो आपका सादा बटन हुआ। अब हम आपको बताते हैं कैसे आप अपने इस पाइपिंग वाले बटन को कैसे बना सकते हैं। तो इसका भी तरीका बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपकी मशीन भी यही रहेगी, आपके जो टूल हैं, आपकी डाई है, ये भी यही रहेगी और आपके बटन भी यही रहेंगे इसमें। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे दो कपड़े चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक कपड़े का यूज़ किया हुआ बटन बनाया हमने, और पाइपिंग वाले बटन में यहाँ पे आपको दो कपड़े चाहिए होंगे मैचिंग के। तो यहाँ दो बटन लिए हैं हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें बटन बनाएंगे अपने इस कलर का। तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपका जो बटन छेद वाला पार्ट है, इस छेद वाले पार्ट में आपको उस बटन वाले कपड़े को इस प्रकार से रखना है और जैसे हमने इसको लपेटा था, इसी प्रकार से इसको भी लपेट देंगे और इसमें यहां पे धागा लगा देंगे और कपड़ा कट कर देंगे पहले की तरह। और जी या कब इसको भी हम यहां पर ऐसे लपेट देंगे, देखिए जैसे पहले लपेटा था हमने। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने छेद वाले पीस में भी और बिना छेद वाले पीस में भी हमने कपड़े वैसे लपेट दिया है। आप उसको रखना भी ऐसे जैसे हमने पहले रखा था। ये आपका छेद वाला पार्ट है, आपको उसको यहाँ पे ऐसे नीचे रखना है ऐसे, और जो बिना छेद वाला पार्ट है, आपको उसके ऊपर ऐसे रखना है पहले की तरह, बिल्कुल ऐसे रखा और उसको पहले की तरह यहाँ पर हमें डाई को ऐसे इसके ऊपर उल्टा कर देंगे और उसको यहाँ पे दबा देंगे।
ये दबाया हमने तो यहाँ पे आपका जो बटन है वह बटन बन चुका है। देखिए डाई हमने हटाई और ये आपका बटन है, ये देखिए ये आपको बटन का सीधा उल्टा पार्ट है, और जो इसको हम इसे घुमा देंगे तो देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पर बटन बन चुका है। देखिए बीच में बटन होगा और बराबर में आपके यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पाइपिंग यहाँ पे बन चुकी है। तो देखिए ये हमने आपको सिंपल बटन बनाना बताया और ये आपका पाइपिंग वाला बटन बन चुका है। इस तरीके से बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है जब आप ये वाला बटन लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आकर हमारा वीडियो पूरा होता है। अब इसके बाद बारी आती है आपकी डाई की और आपकी मशीन की, क्योंकि सभी के पास ये डाई वगैरह मशीन वगैरह नहीं होती। तो यहाँ इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आप ये मशीन से बटन बना सकते हैं, लेकिन हम अपने आपको अपनी आने वाली वीडियो में बिना मशीन के भी बटन बनाना ज़रूर बताएंगे कैसे आप बिना मशीन के बटन बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने आपको ये बताया है। और ये जो आपकी मशीन है इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, ज़्यादा महंगी नहीं आती, ये आपको मार्केट में करीब 700-800 रुपये की मिल जाती है। इसमें आपके यहाँ पर एक डाई आती है छोटे साइज़ की, क्योंकि ये छोटा साइज़ है, छोटे साइज़ का बटन है। लेकिन अगर आप इसमें एक बड़ा साइज़ भी आता है, देखिए ये हमारे पास बड़े साइज़ का बटन है, ये छोटा साइज़ ये बड़ा साइज़, अगर आपको बड़ा साइज़ का बटन बनाना है तो इसके लिए आपको एक डाई अलग से लेनी पड़ती है। उसका रूल्स यही होता है, सेम आपके पीस आते हैं, बस थोड़ा उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, उससे आप अपने बड़े बटन बना सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका वीडियो पूरा होता है, और इसके बाद भी अगर आपको हमारी पूरी इस वीडियो में अगर कुछ भी सीखना, कुछ परेशानी है तो आप हमें कमेंट करें, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ज़रूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम अगेन।